सो हे गाइज व्हाट्सअप इन वेलकम माई यूट्यूब चैनल एंड गाइज आज का न्यू एडिटिंग कंसेप्ट दिवाली स्पेशल होने वाला है जो कि करेंगे हम पिक्सार्ट से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक मिल ही जाएगा। और जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और चलिए एडिटिंग की तरफ चलते हैं। तो गाइज हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में आ चुके हैं, अब जाएंगे हम पिक्सार्ट को ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद देन प्लस वाले आइकन पर जाना है गाइज और बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के लिए ऑल फोटोज़ पर जाना है और जिस वाले बैकग्राउंड को आप डाउनलोड किए हैं डिस्क्रिप्शन में उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद गाइज अब जाना है देन इफेक्ट वाले आइकन पर, यहाँ डाउन की साइड में जो दिख रहा है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करके आना है ब्लर वाले आइकन पर और ब्लर वाले आइकन पर आने के बाद फर्स्ट वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाले आइकन को सेलेक्ट करने के बाद ब्लर डेकोरेशन देख लेना है आपको कितना रखना है। तो ओके सो आपको रख लेना है लगभग में 25%। इसके बाद डन कर, तो डन हो गया। अब डन होने के बाद गाइज अपने फ़ोटो को सेलेक्ट करना है एड फोटो पे जाकर। इसके बाद अपने फ़ोटो को हम कर लेते हैं यहाँ पर सेलेक्ट। तो अभी हमारा देख रहे हैं बैकग्राउंड इरेजर नहीं हुआ है तो इस बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे हम इस वाले आइकन पर जाकर, यहाँ पर जो दिख रहा है इरेजर वाला आइकन, इरेजर वाले आइकन पर जाकर यहाँ से इरेजर ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, हार्डनेस को 100% प्लस करेंगे और साइज़ को अपने हिसाब से रख लेंगे गाइस जितना आप रख सकते हैं। इसके बाद ऐसे करके इरेज कर लेना है। तो वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हम ताकि आपका भी समय लॉस ना हो और अच्छे से एडिटिंग भी सीख लें, तो इसलिए हम इस वीडियो को फास्ट कर लेते हैं गाइस। ठीक, ओके गाइज तो यहाँ पर इरेजर हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो अब हम यहाँ से डन कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो आ चुकी है एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इरेजर हो चुका है यहाँ पर। तो गाइज अब हम जाएंगे इस प्लस वाले आइकन पर और एड फोटोज़ पर जाएंगे और गर्ल्स वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे। इसके बाद अभी हम दोनों को साथ में ही मैनेज करेंगे ताकि अच्छे से मैनेज हो जाए। तो पहले गर्ल्स वाले पीएनजी को देख लेते हैं, कुछ इस टाइप से सेटअप कर लेंगे। इसके बाद बॉयज वाले पीएनजी को, मेरे वाले को यहाँ पर सेटअप कर लेंगे गाइज और इसको थोड़ा सा और ऐसे सीधा कर लेंगे घुमाकर। इसके बाद अब मैनेज हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, देख सकते हैं आप सब। इसके बाद यहाँ से डन कर देंगे गाइज। अब डन करने के बाद गाइज यहाँ से अब जाएंगे देन हम ऐड फोटोज़ पर और देन हम इसके बाद दिवाली वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे, दीपावली वाले पीएनजी को ऐड करने के बाद देन प्लस वाले आइकन पर जाएंगे, फिर से देन ऐड फोटोज़ पर जाएंगे। इसके बाद इस दिवाली लाइक्ड पीएनजी को ऐड कर लेंगे गाइज, यहाँ पर इस साइड में है तो इसको ब्लेंड के ऑप्शन पर ले जाना है आप सभी को और स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर ऐसे लगा लेना है इस कोने के साइड में और इसके बाद इरेजर वाले आइकन पर जाना है और जो ये सब एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर इन सभी को इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद डन कर देना है गाइज, देन फिर से प्लस वाले आइकन पर जाना है। इस बार फिर लाइक पीएनजी का पीएनजी ऐड कर लेना है आप सभी को यहाँ ऊपर की साइड में और ब्लेंड वाले आइकन पर जाकर स्कैन कर लेना है, देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डन कर देना है। सो गाइज फिर ऐड फोटोज़ पर जाना है। सो इस बार आपको दिवाली लाइक पीएनजी का पीएनजी ऐड करना है, जो ये वाली है पीएनजी यहाँ पर ऐड कर लेना है आप सभी को। यहाँ पर ऐड करने के बाद देन फिर से इस प्लस वाले आइकन पर जाना है। सो इस बार फिर से ऐड फोटोज़ पर जाना है। इसके बाद फिर से जो पहले वाले पीएनजी को ऐड किए थे उस वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे और इस बार क्रॉप वाले आइकन पर जाएंगे गाइस। क्रॉप वाले आइकन पर जाने के यहाँ इसको हाफ क्रॉप कर लेंगे, जो ए वाली लाइक दिख रही है यहाँ पर इस वाले को क्रॉप कर लेंगे। इसके बाद डन कर देंगे। इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करके आएंगे ब्लेंड वाले आइकन पर और स्क्रीन कर देंगे और इस बार यहाँ से हमें जो ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है ये सब इरेज कर लेना है। तो ये यहाँ पर इरेज हो चुका है गाइज। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर लगा देंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से हम डन कर देंगे एक बार, देन फिर से ऐड फोटोज़ पर जाएंगे और फिर से वही लाइट का पीएनजी ऐड करेंगे
और इस बार फिर से क्रॉप करेंगे डाउन साइड वाला पीएनजी जो इस तरफ है, तो इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद देन आपको यहां से फ्लिप टू रोटेट पर जाना है और फ्लिप कर देना है, और इसके बाद ब्लेंड वाले आइकन पर जाना है और स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इरेजर पर जाना है, इरेजर पर जो स्ट्रा पार्टी है इसको इरेज कर लेना है और इस वाले इस पार्ट को इरेज कर लेना है। इसके बाद देन डन करके यहाँ से इस साइड में आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पर डन कर देना है। अब डन करने के बाद गाइज एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इमेज को सेव कर लेना है, सेव करके स्नैपशीट में ले जाना है। तो गाइज आज हम स्नैपशीट में आ चुके हैं। अब हम जाएंगे इस टूल वाले आइकन पर और सेलेक्टिव वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्टिव वाले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्लस वाले आइकन पर अपने फेस पर की लगा लेना है। की लगाने के बाद गाइज इसके वाइब्रेशन को प्लस कर लेना है और इसके बाद सेचुएशन को माइनस कर लेना है, और इसके बाद देन फिर से एक प्लस का आइकन देना है। इस यहाँ हैंड पर भी की लगा लेना है। की लगाने के बाद वाइब्रेशन को प्लस कर लेना है और सेचुएशन को माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद देन गाइज देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर फेस का जो ब्लैक कलर था वो चला गया है। अब यहाँ पर टूल्स वाले आइकन पर जाएंगे और इस बार ट्विन इमेज में जाएंगे गाइज। ट्विन इमेज में जाने के बाद स्क्रॉल करके जाएंगे एम्बेनिस को। एम्बेनिस को हम कर लेंगे 26%। इसके बाद डन कर देंगे। अब डन हो चुका है गाइज। अब हम फेस को करेंगे स्मूथ और हेयर्स को करेंगे एडिट। तो हेयर्स और फेस स्मूथ करने के लिए जाएंगे हम शेयर वाले आइकन पर ऊपर की साइड में, और यहाँ से शेयर कर लेंगे हम ऑटो डेक्स में। ऑटोडेक्स में शेयर करने के बाद गाइज यहां से लाइब्रेरी वाले आइकन पर आएंगे। लाइब्रेरी वाले आइकन पर स्क्रॉल करके आएंगे यहां पर स्मूथ वाला ब्रश जो दिख रहा है ये वाला, यहां पर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग में आएंगे गाइज। सेटिंग में आने के बाद साइज को देख लीजिए, यहां पर फ्लो 1%, स्ट्रेच 3% है, और साइज को अपने हिसाब से रख लेना है। और इसके बाद यहाँ से फेस पर स्मूथ कर लेना है गाइज। देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आप सभी को भी कर लेना है। ओके गाइज हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। अब हम लाइब्रेरी वाले आइकन में फिर से जाएंगे और इस बार हेयर्स वाले पार्ट को इरेज करेंगे। जो डिज़ाइन है यहाँ पर एटीस वाला फ्रेज इसको कर लेंगे, और सेटिंग को देख लीजिए इतना है, साइज को उतना ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ से हेयर्स बना लेंगे। तो गाइज देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा हेयर भी बन चुका है, रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब हम लास्ट चरण में एडिटिंग करेंगे लाइट रूम में, जो कि वो जानते ही हैं, वन क्लिक में कर देते हैं हम एडिटिंग बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए लाइट रूम ऐप्स को ओपन कर लीजिए आप सब। सो ओके गाइज, तो आप सभी को लाइट रूम ऐप्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऑल फोटोज़ पर जाना है। तो गाइज अपने फ़ोटोज़ को ओपन कर लेना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से प्रीसेट का लिंक मिलेगा इस वाले जो यहाँ पर दिख रहा है। इसके थ्री डॉट पर जाइए और कॉपी सेटिंग करके डन कर दीजिए, और बैक आइए अपने फ़ोटोज़ पर और सो पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। देख सकते हैं वन क्लिक में हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर। तो ऐसे ही न्यू अमेजिंग एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो बाय।